Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, I will share my hair care routine with you all. One night before my hair wash day, I apply coconut oil on my hair और मैं 100% edible oil use करती हूँ. Brand से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी brand का आप use कर सकते हैं, but वो edible pure होना चाहिए. मैं actually scalp पे अच्छे से मसाज करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी full length cover करती हूँ hair की, कि सभी में अच्छे से नरिशमेंट पहुँच जाए oil का. अच्छे से जम भी करती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं scalp पे करती हूँ मसाज. सिलिकॉन मसाजर बिल्कुल सही होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है बालों पे. ये मसाजर मैंने मीशो से बाय किया था सिर्फ 94 रुपीज़ में, पर ये काफ़ी इफेक्टिव है. तो ये इससे हमें काफ़ी रिलैक्स फील होता है. दूसरा, ये ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है. और उसके बाद मैंने अपने बालों को कर लिया था सिक्योर, एक चोटी बना ली थी, उसके बाद मैंने बन बना लिया था और फिर मैंने बालों को कवर कर दिया था एक शार कैप से. इट वाज सिल्क शार कैप. आप स्कार्फ से भी कर सकते हैं शार कैप, किसी भी तरह से, बस अपने बालों को आपको कवर करना है. लेकिन मैं आपको कहूँगी कि स्कार्फ अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उस वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. इसमें जो इलास्टिक है ना, वो है तो सॉफ्ट, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी. स्कार्फ मुझे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, पर क्योंकि ये सिल्क की थी तो मैंने यूज़ की. उसके बाद मॉर्निंग में मैंने किया अपने बालों को शैम्पू. मैं यूज़ करी हूँ फ़िलहाल ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ शैम्पू, इट्स रियली इफ़ेक्टिव. उसके बाद मैंने की कॉम्ब, ताकि बालों को अगर जब गीले होते हैं, हमें हल्के हल्के से कॉम्ब कर लेना चाहिए. फिर मैं अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल, जिसे मैंने ब्लेंड करके स्ट्रेन किया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रेन नहीं करते तो फिर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत गंदे लगते हैं. अच्छे से स्कैल्प पे आपको अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए. फिर मैंने हेयर को ब्लो ड्राई किया. उसके बाद मैंने अप्लाई किया था महाभृंगराज ऑयल, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है. ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें झड़ने से रोकता है. बालों में जो पीछे की साइड होती है ना, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते उस ओर, तो मैंने वहाँ पे अच्छे से इसको अप्लाई किया है. फिर मैंने बालों को किया फाइनल कॉम्ब. पहले तो मैंने बहुत ही हल्के हाथ से कॉम्ब किया था जब गीले थे, लेकिन अब इसको मैंने अच्छी तरह से बालों को कॉम्ब किया है, वरना फ्रीज हो जाते हैं. सो गाइज, इट वॉज़ माई हेयर केयर रूटीन प्रोसेस. ये नॉर्मल हेयर केयर रूटीन थी. वीक में ट्वाइस इन अ वीक मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ, तो तब मैं ये प्रोसेस फॉलो करती हूँ. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. आई एम वेरी ग्लैड इफ़ माई कॉन्टेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एंड गाइज. सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज़ वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. बाय.